नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी कराई जाती है और अन्य कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनसे सभी के लिए तैयारी कराई जाती है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से कुछ सीरीज पहले डाल दी गई हैं, तो जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि इससे पहले विश्व भूगोल की श्रृंखला इस चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें आप ज़रूर देखें। इससे पहले एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला इस चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें आप ज़रूर देखें। और अभी हाल ही में पॉलिटी की श्रृंखला इस चैनल पर चल रही है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कह सकता हूँ, या इस बात को कहने में मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि यदि आप उन वीडियो क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बेहतर करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को अपनी को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो भारत का राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लास चल रही है, तो अगर उस स्थिति को हम देखें तो एक जो पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति का, कहीं ना कहीं पर वो भारत के राष्ट्रपति से भी लिंक करता है और भारत की संसद से भी लिंक करता है। तो इसको ठीक तरीके से समझेंगे। और ये बात मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो क्लास को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं तो ये बात क्लियर है, निश्चित है कि आप बेहतर करने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वित्तीय आपातकाल। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। तो वित्तीय आपात के काल के बारे में आज से पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक आसान वे में आपको बहुत चीज़ें बताने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुने। और ये बात क्लियर है कि आप लगभग ये मान के चलिए कि यूपीएससी लेवल पर आप इस टॉपिक को बिल्कुल एकदम से क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, या कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह भारत के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, जरा उसे ध्यान से समझें। यदि भारत का राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाता है कि, या उसको यह विश्वास हो जाता है भारत के राष्ट्रपति को कि भारत, संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग में अगर वित्तीय स्थायित्व संकट में है, मतलब कि जो वित्तीय व्यवस्था अगर भारत की संकट में है, तो भारत का राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 360 यह साफ शब्दों में बताता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के लिए या भारत, संपूर्ण भारत के लिए या भारत के किसी भी भाग में यदि वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो उसके लिए वो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया है कि यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से। चूँकि आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार में स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने के अनुसार कार्य करना होता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो लगभग उसी स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से। तो कहीं ना कहीं पर ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने पर ही वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बात लगभग क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन कथन वगैरह में बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं पर हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिससे कि हम उस चीज़ को समझ सकें। वहीं नेशनल, जैसा कि इसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की या केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया है,
कि राष्ट्रीय आपातकाल में, जो कि मैंने नेशनल इमरजेंसी पीछे पढ़ाई है, तो नेशनल इमरजेंसी में लिखित सलाह की आवश्यकता है, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली मौखिक रूप से ही काम चल जाएगा, तो इस बात को भी याद रखेंगे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कथन में बन जाते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने जाएंगे या फिर आप यूपी पीसीएस का देंगे, तो उस स्थिति में ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। वहीं अगर हम इस उद्घोषणा की अवधि की बात करें, मतलब इसके टर्म की बात करें कि कितना होता है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, तो जिस दिन से वो घोषणा करते हैं, वह घोषणा पहले स्टेप में दो माह के लिए जारी रहती है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि जैसे ही भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो पहले स्टेप में, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं, इसको आप ऐसा समझिए कि संसद के बिना अनुमोदन के यह घोषणा कितने समय के लिए जारी रह सकती है। तो बिना संसद के अनुमोदन के तो यह घोषणा 2 माह तक जारी रह सकती है, आपको इतनी बातें कम से कम याद रखनी है। और इस बीच 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदन उसे साधारण बहुमत से, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से, 2 माह के अंदर यदि उसको अनुमोदन कर देते हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी से, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं, यदि उससे वो उसको अनुमोदन कर देते हैं दोनों सदन, तो निश्चित तौर पर जो वो है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की गई है, वो आपकी आगे बढ़ जाएगी। और वो जो घोषणा है अनुमोदन के बाद, वो अनिश्चित काल तक लागू हो जाएगी, मतलब कि जब तक ऐसी स्थिति इंडिया में बनी रहती है, या भारत के उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी रहती है, या कह सकते हैं वित्तीय स्थायित्व संकट रहता है, तो तब तक वो जारी रह सकती है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही उद्घोषणा होती है, उस समय उस 2 माह के अंदर, चूँकि आपको मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि पहले स्टेप में 2 माह के लिए यह उद्घोषणा होगी, और यदि उस दो माह के भीतर ही किसी वजह से ऐसा होता है कि लोकसभा भंग हो जाती है, और ये बात आप भली भांति जानते होंगे कि राज्यसभा चूंकि एक स्थायी सदन है, ये एक परमानेंट हाउस है, तो अगर राज्य लोकसभा भंग हो जाती है उस 2 माह के अंदर, उस 2 माह की रेंज में, और चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है और वो राज्यसभा उसको अनुमोदन कर देती है सिंपल मेजोरिटी से, अब चूंकि वहाँ पर लोकसभा भंग है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान से सुनना है दोस्तों, उस स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुने, जैसे ही लोकसभा जब भी पुनर्गठित होगी और लोकसभा की जब भी पहली बैठक होगी, तो उस पहली बैठक से लेकर, पहली बैठक की तिथि से लेकर और 30 दिन के भीतर, ध्यान से सुनना है, उस जैसे ही लोकसभा की पुनर्गठित होगी लोकसभा, तो उस लोकसभा की पहली बैठक से लेकर और 30 दिन के भीतर यदि लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ अनुमोदित कर देती है, या उसका अनुमोदन कर देती है, या ऐसे समझिए उसे पास कर देती है, तो वो जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय आपातकाल की गई है, वो अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाएगी। और यदि उस प्रथम बैठक की तिथि से लेकर और 30 दिन के भीतर यदि वो जो उद्घोषणा है, अगर लोकसभा उसे पास नहीं करती है, अनुमोदन उसका नहीं करती है, तो वो बीच में ही रह जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर जैसे ही, मान के चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी वजह से अगर ऐसा होता है कि जैसे ही राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो उस घोषणा के जो 2 माह का जो टर्म है, उसके अंदर किसी वजह से ऐसा होता है कि लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा विघटित हो जाती है, जो भी ऐसा कुछ होता है, तो चूँकि आप जानते ही हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसके द्वारा उसको अनुमोदन कर दिया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, और उसके बाद जब भी लोकसभा पुनर्गठित होगी, ध्यान से सुनना है, और उस लोकसभा की पहली बैठक जब भी होगी,
तो पहली बैठक से लेकर और 30 दिन के भीतर यदि लोकसभा उस प्रस्ताव को जो राज्यसभा उसे अनुमोदित कर चुकी है, अनुमोदन कर चुकी है, और उसको भी उसी सदन की भांति या कह सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उसे भी वो अनुमोदन कर देती है, तो वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो घोषणा है वो अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं पर आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को कभी भी किसी भी समय वापस ले सकता है। तो इसमें ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार कर देने के बाद या उसको कुछ समय के बाद ही वापस लेना होगा। तो इस चीज़ को एकदम वे में समझ लें कि भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर हम देखें, ध्यान से सुनना है दोस्तों, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे, तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ, इसको इस तरीके से आप समझ के चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें लगभग लगभग ये मानिए कि केंद्रीय जो कार्यपालिका शक्ति है उसका लगभग विस्तार हो जाता है, ऐसा कुछ कर लगभग मान के चलिए। जैसा कि मान के चलेंगे कि केंद्र के द्वारा जो वित्तीय मामले में अगर कोई निर्देश राज्य सरकार को दिया जाता है या राज्य विधानमंडल को दिया जाता है तो उसको राज्य विधानमंडल मानेगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, राज्य सरकार के अधीन जितने भी अधिकारी हैं, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती का निर्देश भी जारी किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, चूँकि बात वित्तीय आपातकाल की है इसीलिए ध्यान रखना है। और वहीं राज्यों के साथ साथ ये बात भी याद रखें, जो संघ के सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि भारत के उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनिए, यहाँ तक कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तक भी, उनके भी वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है। तो इसको आप याद रखेंगे और इस फैक्ट को आप नोट करके याद रख लें कि राज्य विधानमंडल इस स्थिति में यदि वित्तीय आपातकाल लागू है, ध्यान से सुनना है, यदि वित्तीय आपातकाल लागू है, यदि उस स्थिति में राज्य विधानमंडल किसी धन विधेयक को पारित करता है या वित्त विधेयक को पारित करता है, इंग्लिश में कह सकते हैं तो मनी बिल को या फाइनेंशियल बिल को अगर पारित करता है द स्टेट लेजिस्लेचर, तब उस स्थिति में उसको संरक्षित, राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा जाएगा, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए संरक्षित रखा जाएगा। तो ये बात क्लियर। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि कोई धन विधेयक पारित किया जाता है या वित्त विधेयक पारित किया जाता है, चूँकि दोनों ही फाइनेंशियल से संबंधित हैं, तो उनको राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा जाता है, जरूरी संरक्षित रखा जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 200, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा गया था जैसा कि मैंने पीछे देखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो कि राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि कोई धन विधेयक पारित किया जाता है तो उस धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल। लेकिन वहाँ रख सकता है, ये जरूरी नहीं है कि निश्चित ही रखेगा, लेकिन वहाँ रख सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है तो निश्चित तौर पर ही राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा जाएगा, ऐसा आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ आपकी नेशनल इमरजेंसी की तुलना करता हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आप इस तुलना को ठीक से सुन लेते हैं तो आने वाले जितने भी ऑप्शनल परीक्षा हैं उनमें भी आप बेहतर कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। जैसा कि आप इस तरीके से समझिए कि मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 360 से करता है, वहीं नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 से करता है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्री परिषद की लिखित सलाह लेनी पड़ती है, वहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करते समय भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्री परिषद की सिर्फ मौखिक सलाह लेनी पड़ती है, लिखित सलाह लेनी नहीं पड़ती।
वहीं अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसद का अनुमोदन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। वहीं वित्तीय आपातकाल में जैसे ही भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसमें संसद का अनुमोदन 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों संसद का अनुमोदन जो होना चाहिए वो 2/3 बहुमत होना चाहिए, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं या फिर हिंदी में कह सकते हैं विशेष बहुमत। वहीं वित्तीय आपातकाल में जो संसद का अनुमोदन है दोस्तों वो सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए या कह सकते हैं साधारण बहुमत से होना चाहिए। वहीं एक बात ध्यान रखने की है, राष्ट्रीय आपातकाल में जैसे ही संसद अनुमोदन कर देती है तो वो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिर 6 माह बाद फिर से एक बार संसद का अनुमोदन कराना होगा और फिर से उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार वहाँ प्रोसेस है राष्ट्रीय आपातकाल में कि एक बार अनुमोदन के बाद अब 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर अनुमोदन के बाद और फिर उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार उसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को। वहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा में क्या अंतर है, यदि संसद के दोनों सदन या संसद एक बार उसे सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदित कर देती है तो बार बार उसे अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से रखना है याद, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन कथन में बन जाएंगे और कथन के क्वेश्चन करने के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वित्तीय आपातकाल में यदि संसद एक बार ही अनुमोदन कर देती है तो वो जो वित्तीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाएगी। वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे हर 6 माह बाद फिर से उसका अनुमोदन करना ज़रूरी है। अगर दोनों में सेम बात करें तो सेम बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को भी किसी भी समय वापस ले सकते हैं और वहीं वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को भी भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो उन दोस्तों पर भी पहुँच सके जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।